हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी सेट का पेपर। बिल्कुल शॉर्ट में आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज। इसका आंसर सी होगा, जर्नोटोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन गैमेटोजेनेसिस। आंसर होगा डी, माइटोटिक एंड म्यूटिक। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनल। आंसर होगा गॉल्गी बॉडीज। द सरफेस लेयर ऑफ स्पर्म कॉन्टेन्स ए प्रोटीनियस सब्सटेंस नोन एज एंटी फर्टिलिजिन। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 55, प्राइम फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज। आंसर होगा सी, एंडोक्राइन। द बेस्ट नेम नोन सेल लाइन ऑब्टेंड फ्रॉम ह्यूमन कार्सिनोमा इज। ऑप्शन होगा डी, हेला सेल्स। क्वेश्चन नंबर 57, विच कैविटीज फाउंड इन गैस्ट्रोला स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो। ऑप्शन होगा ए, ब्लास्टोसील। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच एग माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। ऑप्शन होगा ए, इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, द कनेक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट द कनेक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाइकोवेलिन विद प्रोटीन इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज। ऑप्शन डी होगा, हाईली स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऑप्शन डी आंसर है इसका, क्लोस्ट्रीडियम एंड मे बी एजोटोबैक्टर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स इन ग्रीन प्लांट्स आर। इसका यूनिट होगा क्वांटोसोम्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 38। इसका आंसर 36 भी हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। आंसर किया गया तब पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 63, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल इज द कन्वर्सन ऑफ। ऑप्शन होगा ए आंसर, फैट टू कार्बोहाइड्रेट। फ्लोरीजन थ्योरी ऑफ फ्लावरिंग वाज प्रपोज्ड बाय चेलाख्यान इन 1936। क्वेश्चन नंबर 65, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओस्मोलाइट विच एक्यूमुलेट ड्यूरिंग साल्ट और वाटर स्ट्रेस इज। आंसर होगा अमीनो एसिड प्रोलाइन। 66, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ शेयरिंग 16% ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन इज। इसका आंसर है रुबिस्को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। इसका आंसर होगा सी, रिकॉग्नाइज एंड बाइंड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 68, द सेकेंड हार्ट साउंड इज कास्ट बाय। इसका आंसर होगा ए, क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वल्व्स। क्वेश्चन नंबर 69, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई इन टू द ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज इज डन बाय। आंसर होगा डी, पैसिव डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 70, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स इन द। आंसर होगा बी, प्रॉक्सिमल ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 71, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द किडनी इज इंक्रीज्ड बाय। आंसर है डी, एल्डोस्टेरोन।
क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज ए रोल इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ बाइल। इसका आंसर है ऑप्शन बी कोलियोसाइटोकिनिन। क्वेश्चन नंबर 73, द हार्मोन ऑफ द पीनियल ग्लैंड इज नोन एज मेलाटोनिन। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 74, सम मैमल्स हैव ए स्पेशल थर्मोजेनिक टिश्यू इज नोन एज ब्राउन फैट टिश्यू। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन एवन हाइब्रिड प्लांट इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ पेरेंट द क्रॉस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। ऑप्शन बी होगा। 76, ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज कॉल्ड एज। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। 77, ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग रिप्रेजेंट विच सिंड्रोम। इसका आंसर होगा डाउन सिंड्रोम्स। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स अक्रॉस सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। ऑप्शन बी आंसर है इसका सही। क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फॉलोइंग जीन्स। ऑप्शन ए आर लोकेटेड नियर ईच अदर ऑन सेम क्रोमोसोम डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज स्ट्रेंथ लिंक्ड जीन्स आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग मियोसिस इंडिविजुअली। इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट ऑप्शन सी। 81 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा सी। जेनेटिक्स मैप्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स। एट्टी टू का आंसर है ऑप्शन डी। 83 का आंसर होगा बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस प्रोवाइड द नेमिंग पर्टेनिंग टू वन जेनरिक एंड वन स्पेसिफिक नेम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 84, क्वेश्चन नंबर, इंटरब्रीडिंग एनिमल्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। ऑप्शन होगा बी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इन लीनियन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसका आंसर वेरी सिंपल ऑप्शन ए होगा, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, लंग्स ऑफ रेप्टाइल्स आर लोकेटेड इन थोरेक्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। 87 का एक ग्रुप और मास ऑफ सेल बॉडीज विद इन द ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड गैंग्लियन। ऑप्शन बी सही है। इंडियन राइनो इज कंजर्व्ड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन बी होगा इसका। 89 का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN वाज फॉर्मड इन 1948। ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट ट्रू जॉड वर्टिब्रेट बिलोंग टू द क्लास प्लैकोडर्मी। ऑप्शन बी। 91 का होगा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीज इन देयर बॉन्ड एंगल्स। ऑप्शन ए आंसर करेक्ट है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, फॉर विच द हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेरी सिंपल आंसर ए। 94 का होगा, इफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन 1 ग्राम मोल पर लीटर देन द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 0। आंसर डी होगा।
95 the substance concentration at which an enzyme exhibits half the maximum velocity is known as option C, Km. Isoenzyme is characterized as option D होगा. इसका multiple forms of given enzyme that catalyze same type of reaction. 97 का 1967 which of the following coenzyme classified as vitamin coenzyme Q. इसका right option है. 98 का है 98 question number in oxidative phosphorylation the oxidation of one molecule of NADH produces 3 ATP molecules. ऑप्शन बी सही है इसका. 99 क्वेश्चन क्लियर नहीं, डाउट है थोड़ा इसमें. क्वेश्चन नंबर 100 राइबोफेरिन, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें राइबोफोरिन्स होगा. इसका आंसर ग्लाइकोप्रोटीन्स है. क्वेश्चन नंबर 101 विच टाइप ऑफ स्टोन्स आर वेरी सिमिलर इन डिफरेंट स्पीसीज. इसका आंसर वेरी सिंपल, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी H2A, H2B, H3, H4. 102 क्वेश्चन नंबर मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 103 द सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन नंबर ए होगा हॉटकिन एंड कियाइंस. क्वेश्चन नंबर 104 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव द बिगेस्ट परसेंटेज ऑफ अनसेचुरेटेड फॉस्फोलिपिड इन देयर मेम्ब्रेन्स. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंटार्क्टिक फिश. 105 ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट. ऑप्शन डी आंसर होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 106 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसका आंसर वेरी सिंपल हो है, आंसर नंबर बी ऑप्शन बी होगा इसका. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. 107 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एन फॉर्मिल मैथियोनाइल टीआरएनए प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन प्रोसेस. इसका आंसर वेरी सिंपल, ऑप्शन बी होगा यू बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. क्वेश्चन नंबर 108 इन रिलेशन टू जेनेटिक कोड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इज करेक्ट. इसका आंसर वेरी सिंपल, ऑप्शन बी होगा यू ए जी अंबर कोडोन, यू ए ए ऑकरे कोडोन, यू जी ए ओपल कोडोन. नेक्स्ट द ट्रांजिशन बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ लैम्डा फेज इज ड्यू टू. इसका आंसर ऑप्शन ए होगा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. क्वेश्चन नंबर 110 ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम इज अ जेनेटिक डिसीज विच इज एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज. पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज आर एक्सट्रीमली लाइट सेंसिटिव एंड रेडली डेवलप सनलाइट इंड्यूस्ड स्किन कैंसर. फेलियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज. इसका ऑप्शन है ए करेक्ट है, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर. क्वेश्चन नंबर 111 वाट आर एन एंड क्यू प्रोटीन लैम्डा फेज. इसका आंसर है ऑप्शन बी बोथ आर एंटी टर्मिनेशन फैक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 112 इन ई कोलाई विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम्स रिलैक्सेड डीएनए बाय इंक्रीजिंग लिंकिंग नंबर. इसका ऑप्शन होगा सी टोपियो आइसोमरेज फर्स्ट एंड थर्ड. 113 माइक्रो आरएनए आर एसोसिएटेड विद. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए एंड कॉजिंग देयर डिग्रेडेशन. क्वेश्चन नंबर 14 प्रोकैरियोटिक सिग्मा 32 फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्ट्स ऑफ प्रोटीन इन ई कोलाई. इसका आंसर होगा बी ऑप्शन नंबर. क्वेश्चन नंबर 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए लिपिड बेस बेस्ड सेकंड मैसेंजर. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी IP3. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन डायरेक्टली बिटवीन एडजेसेंट सेल्स. इसका आंसर है साइनेप्टिक सिग्नलिंग, ऑप्शन डी. 117 डेस्मोसोम्स आर सेल जंक्शंस दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एडहेसेंस बिटवीन सेल्स. विच प्रोटीन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डेस्मोसोम्स. इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए कैडहेरिन। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन द सीएचईए प्रोटीन इन बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस एक्ट एज ए, इसका आंसर है ऑप्शन सी हिस्टिडाइन काइनेज। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, इसका ऑप्शन होगा डी कैंसर सेल्स रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर दैट स्टिमुलेट देयर ओन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 120 का ट्यूमर सप्रेसर जीन्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसका आंसर है बी P53। 121, विच पेयर ऑफ जीन्स कम ओनली इम्पार्ट इन डीएनए डैमेज मैकेनिज्म, इसका आंसर है एटीएम एंड एटीआर, आंसर सी। 122 का द प्राइमरी फंक्शन फंक्शन ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स इज, ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल्स। 123, नोबेल प्राइज 2020 इन केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्रिस्पर कैस 9 वाज अवार्डेड टू एम्यूनले चारपेंटर एंड जेनिफर जॉर्डना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 124, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट अबाउट मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन इज ट्रू, आंसर होगा सी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन एसिलरेट ब्रीडिंग प्रोसेस बाय डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग एन ऑर्गेनिज्म डीएनए। क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हेन सिलेक्टिंग ए कल्चर मीडियम फॉर स्पेसिफिक सेल टाइप्स, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, पीएच लेवल ऑस्मोलिटी ग्रोथ फैक्टर्स सभी इंपॉर्टेंट है। 120, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंस, बहुत आसान सवाल है तो आंसर नंबर बी होगा पाई जियो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर। 127, हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकैप्सुलेटिंग सोमेटिक एम्ब्रियो विद, आंसर नंबर बी कैल्शियम एल्गिनेट। 128 का होगा प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ग्लूकोज आइसोमरेज इन द सेल्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस बाय हीट ट्रीटमेंट सो दैट इन ए बैच प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज, द प्रोसेस इज नोन एज रेनॉल्ड टोबैको कंपनी प्रोसेस, आंसर नंबर सी करेक्ट है। विच टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन जीनोमिक रिसर्च टू कंपेयर जीन एक्सप्रेशन लेवल बिटवीन डिफरेंट सैंपल्स, इसका आंसर है आंसर सी माइक्रो एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन जीन एक्सप्रेशन लेवल्स, इसका आंसर भी सी है माइक्रो एरे एनालिसिस। 131, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई आरआई रिकॉग्नाइजेस एक्स एट विच डीएनए सीक्वेंस, इसका आंसर है जी डबल ए डबल टी सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 132, बहुत आसान सवाल है, सेडबर्ग यूनिट इज एसोसिएटेड विद, आंसर नंबर डी होगा इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 133, इसका भी आंसर बहुत इजी है, ब्लंट कटिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए स्ट्रैंडेड फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड होगा इसका आंसर। 134, विच ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर्स ऑफ स्टेन नॉर्दर्न नरेंस हाइब्रिडाइजेशन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 135, विच होल क्रोमोसोम पैंट एनालिसिस कॉमनली डन बाय फ्लोरोसेंस इन सी टू हाइब्रिडाइजेशन, आंसर सी है इसका। 130, विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड इज टैग्ड प्रोटीन, इसका आंसर है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लांट्स ऑफ कोल्ड एंड एल्पाइन रीजन एंड दीज डू नॉट थ्राइव वेल इन हीट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 138, वाटर ऑफ दिस सॉइल विच इज इजली अवेलेबल टू प्लांट्स इज नोन एज क्रेसार्ड, आंसर बी। 139, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मेज्ड, इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट है। 140 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सक्सेसिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द फॉलन लॉक्स ऑफ डिकेइंग वुडन ट्री बार्क, इसका आंसर है सेरुले। 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइटो जोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया हैविंग हैवी रेनफॉल एंड मैनग्रोव वेजिटेशन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 142, ये क्वेश्चन डाउटफुल है। 140, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर
reserves is not correctly matched with its location. आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नंदा देवी हिमाचल प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में है. 144 विच मॉडर्न मैमल्स इज रिलेटेड टू. पैकिसीटस ए फोर फुटेड एक्सटिंक्ट मैमल्स. इसका आंसर है व्हेल. विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. इसका आंसर है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए. 140 रेट्स ऑफ इवोल्यूशन आर एक्सप्रेस्ड एज सेडबर्ग यूनिट. इसका आंसर बी होगा, सॉरी हल्डेन यूनिट्स. 147 द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय मोटो किमुरा. आंसर सही ऑप्शन बी. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द माइग्रेशन अदर पीरियोडिक फिनोमेना ऑकर्स इन एनिमल लाइफ इज नोन एज. इसका आंसर होगा क्रोनोबायोलॉजी. सोशल ग्रूमिंग और एलो ग्रूमिंग इज एन इम्पॉर्टेंट गेस्टर ऑफ प्राइमेट सोसाइटी. आंसर इसका चिंक एंड सी आर द अलार्म कॉल्स ऑफ चेफिंचेस. थैंक यू सो मच.